हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड। आज के अपने इस एपिसोड में हम आयुर्वेदिक दोषास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद की, जो दो शब्दों को मिलाकर बना है। एक तो आयुष यानी लाइफ और दूसरा वेद जिसका मतलब है साइंस। अगर इजी वे में कहें तो आयुर्वेद का मतलब है लाइफ साइंस। तो बेसिकली आयुर्वेद हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है और खुद को हेल्दी रखने के लिए हमें किस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के दोषास पाए जाते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में त्रिदोष कहा गया है। ये हैं वात, पित्त और कफ। हमारी बॉडी की हेल्थ इन्हीं 3 दोषों पर डिपेंड करती है। जब तक बॉडी में ये तीनों बैलेंस सिचुएशन में है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इनमें से एक भी डिसबैलेंस्ड हुआ तो शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसलिए इन्हें दोष कहा गया है, और दोष का मतलब होता है डिसऑर्डर या मिस्टेक। आइए जानते हैं कि इन तीनों दोषों का नेचर कैसा होता है और ये हमारी बॉडी या हमारे नेचर को कैसे अफेक्ट करते हैं। हमारा शरीर पानी, आग, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 एलिमेंट्स को मिलाकर बना है। वात, पित्त और कफ में इन सभी एलिमेंट्स में से 2-2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि वात आकाश और वायु से बना है। इसलिए वात का नेचर डायनेमिक या मूवेबल होता है। इसे तीनों दोषों में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। हमारी बॉडी में होने वाले सभी मूवमेंट्स वात के कारण ही पॉसिबल हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन और पसीना आना एट्सेट्रा। वैसे तो वात हमारी बॉडी की हर खाली जगह में पाया जाता है, लेकिन मेनली इसकी जगह हमारे पेट में होती है। वात इतना प्रभावशाली होता है कि ये दूसरे दोषों को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है, और अगर कोई दोष शरीर में पहले से है तो उसे बढ़ा देता है। जिन लोगों की बॉडी में वात दोष ज़्यादा पाया जाता है उनमें स्किन ड्राइनेस, वीकनेस, नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ापन, चीज़ें जल्दी भूल जाना और जल्दी डर जाना जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। अगर पित्त की बात करें तो ये आग और पानी से बना है, इसलिए पित्त बॉडी में हीट पैदा करता है। मेनली इसकी जगह हमारे पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन में है। ये बॉडी के सभी एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, यानी हमारी बॉडी ईटिंग या ब्रीदिंग के थ्रू जो भी अंदर लेती है उसे ब्लड, बोन मैरो या यूरिन में चेंज करने का काम पित्त ही करता है। पित्त दोष का सीधा मतलब है डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी। जिन लोगों में पित्त दोष अधिक पाया जाता है उनमें गर्मी बर्दाश्त न कर पाना, बालों का जल्दी सफ़ेद होना, शरीर में जलन, पसीना और यूरिन ज़्यादा निकलना जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसी तरह कफ दोष पृथ्वी और पानी, इन 2 एलिमेंट्स से बना है। इम्पॉर्टेंस और ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये 3रे नंबर पे आता है। हमारी मेंटल और फिजिकल वर्किंग एबिलिटी, इम्यून सिस्टम, पेशेंस और नॉलेज लेवल, ये सब कफ दोष से ऑपरेटेड होते हैं। मेनली इसकी जगह हमारे पेट और चेस्ट में होती है। इसके अलावा गले से ऊपर, सिर और गर्दन में भी इसकी जगह है। जिन लोगों में कफ दोष होता है उनमें भूख, प्यास और गर्मी का कम लगना, पसीना कम आना, सांस लेने में तकलीफ होना, नींद ज़्यादा आना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। सो दोषास के नेचर के अकॉर्डिंग परफेक्ट लाइफस्टाइल अपनाने से ही हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। दिन में किस टाइम क्या खाना है, कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट या कौन सी सब्जी खानी है, अपनी एज के अकॉर्डिंग क्या खाना है या लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है, ये समझने के लिए हमें दोषास के बारे में और डीपली जानना होगा, क्योंकि दिन के अलग अलग हिस्से में एज वाइज और डिफरेंट सीजन्स में भी अलग अलग दोषास का प्रभाव अलग होता है। अगर सीजन्स की बात करें तो पित्त विंटर्स में सबसे बैलेंस्ड रहता है और समर्स में सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस्ड, क्योंकि इसका नेचर भी गर्म होता है। इसी तरह कफ गर्मियों में बैलेंस्ड रहता है और विंटर्स में डिसबैलेंस्ड, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट पर बेस्ड होता है और बाहरी मौसम की ठंड से जल्दी प्रभावित हो जाता है। वात का नेचर डायनेमिक होने के कारण ये बरसात में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जबकि गर्मियों और सर्दियों में भी इस पर माइनर इफेक्ट होता ही है,
इसलिए वाद पर्सनालिटीज को तो हर मौसम में सावधानी बरतनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, चाइल्डहुड में कफ, यूथ में पित्त और बुढ़ापे में वाद ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसी तरह दिन में हर 4 घंटे बाद भी वात, पित्त और कफ का प्रभाव बदलता रहता है। दोनों 12 आवर्स में 6 से 10 बजे तक कफ, 10 से 2 बजे तक पित्त और 2 से 6 बजे तक वात का प्रभाव ज्यादा रहता है। अगर इस पॉइंट को हम साइंटिफिकली देखें तो कफ का जो टाइम है सुबह 6 से 10 और शाम 6 से 10 बजे तक का, इस समय नेचुरली मौसम का तापमान कम होता है और एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। ऐसे में अगर आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं और कफ को संतुलित रखने के लिए अदरक, काली मिर्च जैसी गर्म चीजों से बना काढ़ा आदि पीते हैं, इसी तरह शाम में 6 से 10 बजे तक में इवनिंग वॉक और समय पर गर्मा गर्म खाना खाते हैं तो आपके शरीर में कफ दोष का बैलेंस बना रहेगा। ऐसे ही जो पित्त का समय है सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का, इस समय बाहरी मौसम में गर्मी एक्सट्रीम लेवल पर होती है और पित्त का नेचर भी गर्म होता है, इसलिए अगर आप इस समय दिन की सबसे हैवी मील खाते हैं तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। रही बात रात के 10 से 2 बजे तक की, तो ये डाइजेशन सिस्टम की हीलिंग का टाइम है, या हम कह सकते हैं कि दिन भर के वर्कआउट के बाद इस समय पाचन तंत्र को आराम की जरूरत होती है, इसलिए रात में सही समय पर हल्का खाना खाकर 10 बजे तक सो जाना चाहिए। इसी तरह वात का जो समय है दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक का, इस समय में दोपहर के खाने के बाद थोड़ा आराम और उसके बाद शाम की दिनचर्या शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वात का नेचर डायनेमिक है और ये बहुत जल्दी और आसानी से डिसबैलेंस हो जाता है। सो कुल मिलाकर आपकी दोपहर और रात की अनियमित दिनचर्या वात को बढ़ा सकती है। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जो कि सुबह 4 बजे तक का समय माना गया है, मेडिटेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप वात को चैनलाइज करने के साथ साथ पित्त और कफ दोष को भी संतुलित रख सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व है। इसलिए हमें त्रिदोष के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी टाइप को समझकर ही अपने लिए खाना सिलेक्ट करना चाहिए। अगर हम आयुर्वेदिक नियमों को फॉलो करते हैं तो वात, पित्त और कफ जैसे दोषास से दूर रह सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में।